ये देखो कॉफी में मेदू वड़ा डिप करके खा रही है। रोशन जरा शर्म कर, ये देख अभी अंदर ले लिया, पहले आ गया फुटेज पे। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है भाई, कितनी भी आप कोई भी गाड़ी चला लो भाई, बट जो मजा ये गाड़ी के अंदर है ना भाई, ये मजा किसी और कार में नहीं आता है भाई, स्पेशली मेरे को तो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। ये देखो ब्रेडली अभी तक सोया है, ब्रेडली भी और ब्रेडली भाई मेरे को मेरे एयरपोर्ट से मिल रहे हैं, सब पैक करा था, पता नहीं कहाँ चले गए। शाम में एयरपोर्ट में गाड़ी में रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले नीचे आए और मैं चेक करता हूँ एयरपोर्ट से कहीं भी भाई, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है एंड इट मैटर्स टू मी। यहाँ के गाड़ी के पास लेट मी चेक भाई, आई होप गाड़ी के अंदर ही हो। गाड़ी के अंदर ही है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। अब की लकड़ी शुरू हो गया, ऐसा नहीं कि वेट करूँ। देखो अब प्लेट पूरा ख़त्म भी हो चुका है और मैंने तो अभी जस्ट सर्व किया है ऑमलेट कचौड़ी एंड दूसरा। ये देखो कॉफ़ी में मैदे वाला डिप करके खा रही है। ओए सलीम, हाय। ओए सलीम, कोई मैदे वाला कॉफ़ी में डिप करके खाता है क्या? सी मैं तो कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। बहुत मारा था रोशन को, छुट्टी है तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं टू गो टुवर्ड्स मुंबई एंड अभी सबसे पहले क्या करना है रोशन, सबसे पहले क्या करना होता है गाड़ी में बैठ के? अभी तो टाइम के बाद, तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले पेट्रोल पंप पे, या उसके पहले जो अगर मैप्रो आ जाएगा तो मैप्रो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू पहुंचे समथिंग फॉर आवर होम अपने घर के लिए। अभी हम लोग आ चुके हैं मैप्रो गार्डन में सबसे पहले एंड यहाँ पे बहुत सारी आइटम परचेज करनी है अपने अपने घर के लिए, तो तुम क्या ले लो अपनी उन्होंने बीवी के लिए? तुम कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो लोगे ना, अरे कुछ तो लो लेके, ऑलरेडी सब कुछ देख के रखा है उसको। ये देखो नैनो को बना दिया है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल वाली गाड़ी, बढ़िया सी है। मैप्रो में शॉपिंग हो गई है अभी, ये लोग स्ट्रॉबेरी। रोशन कैसा है स्ट्रॉबेरी? सही है ना? कहा तेरे दिन है बोस। आप कितना खाया स्ट्रॉबेरी यहाँ पे खड़े खड़े? दो तीन। यार कितना झूठ बोल रहे हो, क्या हमारा छोटा एम जी नहीं, क्या है वो दैट रैपर, वो ना रैपर का नाम क्या था वो? बोलते बोलते क्या बोलना था, बोलना बोलना बोलना, क्यों भाग गया अभी? मैं देखो मछली तो पूरा फुल हो चुका है, अभी जो भी सामान रखना है ना भाई अभी सब रखना है अपने को इसके अंदर, ठीक है? नाउ वी हैव कम बैक टू हिरकनी एंड यहाँ पे खाना खा के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा तीन, फिर निकल जाएंगे मुंबई। क्या देखो चम्मच लेके बैठा हाथ में भाई, अभी सब अपना खाना पीना हो गया है एंड वी हैव लेफ्ट फॉर मुंबई। अभी वी हैव रीच पंचगनी एक्चुअली, तो गाड़ी में फ्यूल टैंक फुल कर लेते दोनों गाड़ी में, फिलहाल तो इतना गाड़ी में डीजल है या पेट्रोल है दोनों गाड़ी में कि इट कैन रीच द नेशनल हाईवे, बट यहाँ पे बड़ा पेट्रोलियम है तो यहीं पे टैंक हम फुल कर देंगे भाई। टैंक फुल हो चुका है, इसमें गया है 6 लीटर। अरे इसको 0-0 करना है ना, भूल गया, देखो कहाँ गया कहाँ गया, फ्रॉम स्टार्ट नहीं फ्रॉम रीसेट। 65 होगा, 75। ई क्लास का कितना है फ्यूल कैपेसिटी मुझे ज़रा बता दो, मेरे हिसाब से 75 है ना? हाँ 75 है भाई। लेफ्ट साइड पे पूरा एकदम स्टीप डीप वैली है, वो पैराग्लाइडिंग मैं बोला था ना तुम लोग को कूद के जाने का, वो सामने देख जाने का क्या बोल छोटू भाई। चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो मेरा पानी सो गया है और ये तीन भी सो गए कुंभकर्ण, अभी खाना खाएं और नींद आ जाए इन लोग को। भाई फाइनली ये लोग रुक गए और ये देखो चालू हो गया मारा बड़ी, बहुत बीप होने वाला है, पी 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 बहुत होने वाला है। बात का जैसे तू एक बहुत बात बोला कि दुबई जा रहे हैं, ऐसा मैं भी एक बात का तू देखे बोला।
बोला मेरे को अभी अंदर ले लिया पहले आगे पुलिस पे ये गया भाई रात के बज चुके हैं 9:45 एंड जस्ट सबको ड्रॉप किया है एंड मैं पैक अपनी नवा क्रस्टर में आ चुका हूँ भाई। एक अलग ही फीलिंग आती है भाई व्हेन यू ड्राइव एंड स्मॉल तो नहीं कह सकता हूँ बट अ वेरी लो सेडान मतलब जमीन को एकदम टच एंड जब आप ऐसे एसयूवी चलाते हो ना भाई बहुत अलग ही डिफरेंस आता है एंड प्लस वो एक पेट्रोल ऑटोमेटिक ई क्लास है एंड ये एक डीजल क्या कहते हैं इसको मैनुअल कार है भाई। क्रिस्टा चलाने में एक अलग ही मज़ा आता है यार। मैं इतने सालों से क्रिस्टा चला रहा हूँ ना भाई, एक क्रिस्टा मतलब इनोवा चला रहा था पहले, फिर क्रिस्टा चला रहा हूँ भाई, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है भाई। कितनी भी आप कोई भी गाड़ी चला लो भाई, बट जो मज़ा ये गाड़ी के अंदर है ना भाई, ये मज़ा किसी और कार में नहीं आता है भाई, स्पेशली मेरे को। तो अभी हम जा रहे हैं रंजित सर के घर पे, क्योंकि रंजित सर के लिए मैंने ना मैप्रो से कुछ सामान लिया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके वहाँ पे, मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, उनको इन्फॉर्म भी कर दिया हूँ एंड जो मैंने सामान लिया है मैप्रो से ना उनके लिए उनके परिवार के लिए, तो मैं अभी उनको दे देता हूँ ताकि वो लोग यूज़ कर सके। क्योंकि देखो रंजन सर मुझे हमेशा एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं भाई, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जब भी ऐसा कोई जगह पर जाऊँ तो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ लेके आऊँ। तो अभी मैं लेके आया हूँ उनके लिए कुछ चीज़ें, तो अभी उनको हैंड ओवर करता हूँ एंड उसके बाद निकलेंगे वापस टू गो टू बोरीवली। भाई मैं अभी फाइनली पहुंच चुका हूं अपने एरिया में, मतलब बोरीवली में आ चुका हूं एंड क्लाइंट को अपना सामान दे दिया हूं जो भी उनका सामान था। तो अभी बस रात के बज गई है ऑलमोस्ट 11, फिर ब्रिज क्रॉस करने के बाद गाड़ी पार्क कर लूँगा फिर जाके अपने घर पे। मैं ये भी जस्ट करते हूँ एंड जिस एक्चुअली कभी का ट्राई करें उसको सुखाने के लिए मैं इसको मिला एंड थोड़ा शेयर ऑफ किया, तो अभी शेर अबाउट टू स्लीप, तो अभी उसको ट्राई करें सुखाने के लिए एंड स्कूल का बहुत ज़्यादा टिक्स हो चुके हैं बिकॉज ऑफ समर सीजन, तो कल उसको मैं शायद पेट के पास लेके जाऊँ या उसकी बेंस लेके आ जाऊँ एंड आज सुबह ये पहन करते मैं बहुत थक चुका हूँ या अगर पेन होना चालू हो गया है, तो आज के लोग ये पहन करते हैं। अगर आपको मेरा आज के पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टाइम प्लीज़।